हेलो। राधे राधे भैया। ठीक राधे राधे सनोज भाई, कैसे हो? है, बढ़िया है भैया। बढ़िया हो? मैं ये कह रहा हूँ, आपका एक रील अभी वायरल चल रहा है, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। आप तो अच्छे कथावाचक हैं, और आपने जो शब्द ये व्यास मंच से बोले हैं, वो एक रील है आपकी भी वायरल हो रही है कि एक भैया मम्मी को फोन आओ रात के 12 बजे, बोली के हम ऊपर गए तुम्हारे यहाँ। ऐसे तो मनीष भाई मैं बताएं आपको, तो ये चीजें, ये शब्दों का थोड़ा चयन अच्छे से किया करो। ये तो देखो, समाज के लिए भी, अब समाज में ये चीज पहुंच रही है तो समाज ये सोच रहा है कि रात के 12 बजे मतलब शास्त्री जी के पास हम भैया रमानी को फोन आओ, व्यू बात बताई उनने मुझे, थे क्या ऐसे मनीष भाई हमें बताएं। हकीकत है इसकी? जी वो हकीकत हम आपको बता रहे हैं। अभी ठीक हमारी कथा हो रही है अब्राहम भैया, है। जहाँ से पहले हमारी कुरावली मतलब कथा चल रही थी नंगला जई में। तो जो हमारे मिलन वाले मित्र दोस्त कछु मानो दे अरविंद कथा मालिक, तो उनके यहाँ कथा आज बैठी थी। तो उनके गांव में मतलब रिश्ता बनी नहीं, तो गांव से बाहर एक मतलब मकान तो, और वहीं कथा बैठी थी खेत पे ही, और वहीं हम मतलब रुके। ठीक है, तो वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो वहाँ तो वीडियो डालवे के चक्कर में हमने अरविंद भाई से कही, तो हमने अरविंद भाई अपनो बच्चा को फोन दिलवा दे, बाहर ने हॉटस्पॉट कनेक्ट करके वीडियो एक दो चढ़ाए दे। लेकिन यहाँ ठीक है, तब वो आंसू नाम का लड़का आ गया, उनको छोटो दो लड़का है, तो छोटे वाले लड़का को हमने फोन ले लो, तो कनेक्ट करके हम वीडियो चढ़ाए रहे थे, मुंह पे फोन रखो तुम। ठीक है, तो वहाँ में नंबर सेव, तो मम्मी जी उनकी मम्मी की कॉल आई, मतलब भाभी की, अरविंद भैया की पत्नी की, तो उनकी कॉल आई। लेके हमने कॉल उठाई, हमारे फोन हाथ में फोन तो हमने उठाओ, हमने कहा हाँ, लेकिन कहाँ, हमने ऊपर लेटे हैं, जबकि हम आ रहे ऊपर ही, जबकि हमने कहा आ जाओ, हमने खटिया तो एक ये जगह बाइक पर रंजे, तो जी हम हंसे तो भी समझ गई कि शास्त्री जी हैं। सनोज पे फोन हुआ, वो तो उन्हें फोन काट दो, जब काट दो भाई, हमने सवेरे अरविंद भैया बात बताई, हमने भैया भाभी कॉल आई ऐसे ऐसे कह रही थी, लेकिन तुम कह दियो गद्दी से। तो हमने हसन में भाई, हमने शब्द हमने हमने उन्हें बताए दे, तो हंसने में कह दई, वो भी कैमरा चालू होते, तो जानते भैया मेरी हंसने की आदत है, हंसी मजाक करना की आदत है, चरित्रहीन हो। हमने जहाँ जहाँ हमने कथा कही है, आप एक बार तुम कॉल करके देख लो, वहाँ अगर कोई एक्स वाई जेड कोई कह दे कि सनोज चरित्रहीन है, तो आज के बाद हम कथा कही वो छोड़ दें। नहीं, वैसी बात तो को कोई जहाँ जहाँ हमने कथा कही है, दे हमारे जानते हैं माधव को चरित्र कैसे हुए, गद्दी गद्दी पे कमरा, कमरा पे गद्दी, गद्दी पे कमरा, भाई भाई जो नहीं कहूँ गली में कहूँ हमारा पूरा मंडल घूमन हो जाए। तो चरित्रवान तो बनना चाहिए भाई। एक बात बताइए, हमें बस तो लोग कथा वो तो हम जिस बताते चीज को, मनीष भाई जिस चीज को हम नहीं कह सकते, जहाँ कथा वही है, आप काऊ जगह पे कोई कह दे कहाँ हमारे यहाँ कथा भाई, और वहां तुम पता कर लियो कि माधव को चरित्र कैसे, कैसी कथा कही, मतलब चरित्रहीन है या चरित्रवान है। अब जय हमने हसन में कह दी, बा हम पे गल नहीं है, कैमरा लगे थे, बा वीडियो डाल दी, बा एक रील इधर कोई कोई है भाई साहब, कोई पहलवान है करके गाय के, उनने रील बनाई। अब हमारे पास करीबन कई कॉलें आई और वे व्हाट्सएप पे भी रील आई, पर हमने कही कोई बात नहीं भैया, देखो छोटी मोटी गलती हो जाए आदमी पट ओपन करके रख दे तू है वो। हम लोग तो हम जैसे मनीष भाई आप हो जैसे हम हैं, हम जहाँ तक तो कोशिश बन रही, हम तो समाज सुधार की बात करते हैं, और तुम हो आम हो, ठीक है, ये छोटी मोटी एक मुँह से निकल गई बन निकल गई। दूसरी बात जो है, जो फेसबुक पे जितनी रीलें गंदी गंदी बनती हैं, बिटिया और बहुएं बनाए बनाए डालते हैं पैसा न के मारे चक्कर में, रीलें वायरल होवे के चक्कर में, अगर इन पर अगर टिप्पणी करी जाए, तो ये रीलें बंद हो जाए तो समाज कितना आगे बढ़े। नहीं, वो तो ठीक है, वो अलग, थोड़ा अलग मैटर हो गया, क्योंकि देखो हम तो समाज सुधारक हैं। अगर रक्षक ही भक्षक हाँ बनने लगेगा तो फिर थोड़ी फिजिकल मार हो जाएगा। मेरी हम लोग समाज मनीष भाई मेरी नहीं, आदत है यार हंसी मजाक करना की, भैया से हमने ऐसी हसन में बोल रही, आपका नजरिया वो मजाक करने वाला था, उस हिसाब से बस आपने, बस सबसे बड़ी बस गलती आपके कैमरा वाले की, उसने उसे रिकॉर्ड किया, उसके बाद में सबसे ज्यादा बड़ी गलती उसने उसे पब्लिक किया। अगर ये हाँ पब्लिक में होती तो ये बात यहां बस तक नहीं होती।
कोई बात नहीं, हम डिलीट करवा देंगे, पर बात तो हंसने हंसने में ही बात थी। और जो मगर आप यकीन न मानो, अरविंद भाई को हम लाइन पे बता पहले, अगर नहीं ये तो बोल दे कहा हमारे यहाँ की बात है, हमारी पत्नी की बात है, तो आप मानियो। यकीन कर रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ समाज में अभी जो चल रहा है, समाज ये सोच रहा है कि माधव भी गलत है। देखो ये मतलब व्यास मंच से कैसी बातें कह रहा है, तो भैया हम बताएं, इससे कुछ कहेंगे आप उन लोगों से? उन लोगों के लिए भैया हम जय कहे वो चाहते हैं, अगर छोटी मोटी त्रुटि अगर बन जाए तो उन चीजन पे समझा हो जाते हुए, पर जब मतलब जब थोड़ी एकदम उछाल हो जाए, जैसे आपकी कॉल आई, आपने कह दी कि सनो जी अच्छी ना है, तो वो आज हम सुधार कर रहे हैं, आज के बाद कोई अब शब्द नहीं निकलेगा गद्दी का। और फिर तो मेरी स्वाब है भैया, आप तो मिले जुले हो हम तो, कई बार आ जाए स्टूडियो मिले हो, तुम तो जानते ही हमारा स्वभाव कैसे, हंसी मजाक करने का स्वभाव है, और अब गुड़ो ऐसो मुझे बताओ। नहीं, देखो हम जैसे उम्र में बड़े हैं आपसे, तो हमारा कर्तव्य यही बनता है। हमारे पास में रील आई तो हमने सोचा कि लाओ माधव को समझाएं, बेटा ये चीज अच्छी नहीं है, समाज की दृष्टि से भी अच्छी नहीं है, और आप तो युवा हैं और आपके लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आगे से मतलब ऐसी कभी कैमरा वालों को भी समझा के चलना, मजाक भी मजाक सीमित करो मंच से, ज्यादा मजाक भी अच्छी नहीं है मजाक मंच से। क्यों कि हर मूड का व्यक्ति बैठा है, आप कह हाँ रहे हो सही, मजाक में, और वो कैसे ले रहा है उस चीज को, हाँ सही बात, सही बात। सीरियस ले सकता है वो, और हिसाब से ले सकता है। आजकल नहीं देखो मनीष भैया आपने देखा है यूट्यूब पे वैसे ही बहुत गंद मचा रखी है, बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा है। हम तो अब देख, और जाई के भैंस है, जाई के डर के मारे भैया हम कोई कॉल ना उठाते, लोग जगा दो, अरे वो तो सनोज का वो तो घमंडी बड़ा है, हम भैया जाए कि प्रत हम कॉल का उठाते हैं, बहुत कम उठाते हैं, जैसे 50 कॉल हैं तो 2 4 5 उठाते हैं, समझो इतनी हम बहुत कम ही कॉल उठाते हैं बिल्कुल बिल्कुल भाई, कसम खा रहे जाए कि प्रत, क्योंकि वो मतलब गंदगी ना फैले। हाँ नहीं, वैसे आपकी ये गलती है, आपको स्वीकार करनी चाहिए, गलती है आपकी। बच्चीज गंदी, बच्चीज भाई गंदी है, तो आना कुछ ऐसे अब सब नहीं निकलेंगे। नहीं चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से ऐसी गलती मत करना, और कैमरा वालों को समझा के रखो कि जो चीज कोई निकल भी जाती है मुंह से, हमसे त्रुटि हो जाती है, तो आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप अपने चैनल चलाने के चक्कर में कुछ भी बा डालते भाई हो। हमने गौ बा मैंने गौर नहीं दिया ऐसा, तो बा जो सनील है, सनील ने डाली थी, सनील कैसे गिरो, तो मतलब ऐसा हुआ बे उनके ने दिक्कत हो गई, बा कथा के बाद भी हमारे संग रहे ना, रब ने सत्संग रात है, और सनील की ने एक पथरी है पेट में, सोने की दिक्कत है गई, तो भी घर पे ही हुए हैं, तो उन्हें घर पे ही डाल दी, हमारे संग होते तो हमें हमें बूझ के ही डालते हैं, है सुना है जो अपने यहाँ पे डाल दे, हमें बूझ के ही डालते हैं, लेकिन भाई घरे आते उन्हें घर से ही ऐसे चढ़ाई दी है हाँ वो तो आप ना। पेटेंट आदमी है सनील भाई, तो हाँ, सनेल और रवनेश से तो हमारे 3 4 5 साल ही गई, तो तुम्हारे संग शुरू से ही अब तक संग रही चलो चलो। और सब घर पे सब लोग ठीक हैं? हाँ है। हाँ और सब बढ़िया है भाई। बेटी बहुत अब औरैया से आए, आज बैठ गई है अभी यहाँ पंचम नगरिया न्यू करौली के डीएम। हाँ अच्छा। हम कल ले फिरोजाबाद, जाएंगे। हम भी फिरोजाबाद हैं, कल कंपिल खत्म हुई थी, फिरोजाबाद बैठ गई। हाँ अच्छा आज बैठी तो भाई, हाँ, कल खत्म हुई, आज फिरोजाबाद बैठ चलो बढ़िया, गई। चलो आएंगे कल दिन मिलेंगे भाई, अजय स्टूडियो भैया ठीक है, फिर से दोबारा मुलाकात हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो भैया बुराई मत माना, हमारा तो जो स्वभाव हुई है, क्या करें भैया, हंसी नहीं मजाक करने को, और हंसी मजाक ना करे कहाँ करो, लेकिन जाए थोड़ा कैमरा के सामने थोड़ा तो। उसका परहेज रखो, कैमरा के सामने परहेज हाँ रखो, कमरा जाग परे जुड़ा पे खूब दीजिए। करो, लेकिन कैमरा के सामने थोड़ा परहेज करो। ना 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 आप थोड़ा परहेज करिए भैया, खूब करिए। बड़े होने के नाते मेरा धर्म बनता है, इसलिए अरे मैं आप, भैया बड़े हो ही आप, हाँ इसलिए डांट रहा हूँ, क्योंकि उम्र में ही बड़ा हूँ आपसे, तो कोई छोटा बात भाई नहीं, अगर गलती करता है तो धर्म बनता है हमारा। कोई बात नहीं, आंदा को ऐसी कोई क्लिप आएगी ना ऐसे, चलो ठीक है चलो भैया। ठीक।